दिनों बाद मैं एक कोई नई वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एक नई पोर्ट्रेट, वो भी यूज़ करके ऑयल पेंट्स। यस, अभी मैंने ऑयल पेंट्स लिए कुछ ही दिन पहले, वो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। न्यू अनबॉक्सिंग करी थी मैंने इनकी एंड उसमें मैंने सब कुछ रिव्यू बताया इसका अच्छे से। प्लस आज हम इसका टेस्ट करने वाले हैं इस पर। यह बुकरम क्लॉथ जिस जो आपको अच्छा आराम से बाज़ार में मिल जाएगा, वन मीटर फॉर 40 रुपीज़ में। एंड इसमें मैं बनाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, प्लस इसमें ड्राई होने का टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे मैं पेपर में बनाऊंगा तो उसको ड्राई होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। प्लस और कुछ तो चीज़ बताने वाली नहीं है, मेरे जो ऑयल पेंट्स हैं वो है कैमल के, रेफरेंस फोटो है हमारी ये वाली जोकर की है जो कि। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने इसकी इंस्पिरेशन रेहांश राहुल सर से लिया है, जो कि आप उनका चैनल अगर देखते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। वार्निश करने का एंड मैं ये यूज़ कर रहा हूँ सिंथेटिक क्लियर वार्निश, जो कि आपकी नॉर्मल मिल जाएगी बाज़ार में। एंड ये तो बहुत बड़ा वाला डब्बा है, तो इसको मैं बहुत लाइट एंड ये इसको तो आप मैजिक फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे इसको मैं लगाऊंगा तब आपको पेंटिंग इतनी बढ़िया सी दिखने लग जाती है ना HD क्वालिटी में। वार्निश कर दी थी, मेरे से एक जो मिस्टेक हुई इसमें सबसे बड़ी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर को ना ड्राई नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से वो फैल के थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। पर ये बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है, आप भी देख सकते हैं। एंड मैं इसको अब रख लूँगा अंदर, वैसे ही मैं कमरे में लगाता कम ही हूँ। मैंने एक स्पाइडरमैन की पोर्ट्रेट बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं आई बटन में जाके, वो मैंने अपने कमरे में लगाई हुई है। एंड कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। प्लस इसे मुझे बनाने में 5 दिन लग गए, क्योंकि एक दिन में एक लेयर ड्राई होती थी। जैसे मैं एक लेयर कर दी, मैंने पहले फर्स्ट लेयर करी, उसको ड्राई होने के लिए 1 दिन लगा, दूसरी लेयर करी उसको ड्राई होने में 1 दिन लगा, फिर तीसरी लेयर करी उसको ड्राई होने में 1 दिन लगा, फिर 2 दिन इसको अच्छे से ड्राई होने में लगे, उसके बाद इसको मैंने वार्निश किया उसको भी ड्राई होने में 1 दिन लगा। तो देख सकते हैं ऑयल पेंटिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो बचपन में मैं यही सोचता था कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनको एक एक महीना कैसे लग जाता है, बल्कि ड्राइंग भी इतनी जो होती है मुश्किल नहीं होती, तो ऑयल पेंट्स जो है सूखते देर में इसलिए उनको टाइम लगता है। मुझे भी आज इस रिडल का जो है सॉल्यूशन मिल गया एंड आपको भी। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।